अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों हम आज का वीडियो बना रहे हैं फ्रॉम डोंगरी इन साउथ मुंबई। दोस्तों अल बुर्रा गोट फार्म के कुछ गोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो में, लेकिन आने वाली सीरीज़ में इंशाल्लाह काफ़ी माल उतरने वाला है हर नस्ल का, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मुलाकात करते हैं फैसल भाई से और आपको एक एक करके कुछ बकरे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे आप फैसल भाई? कैसे आप फैसल भाई? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो फैसल भाई, पहले हम लोग एक ही सेंट्रल लोकेशन से काम करते थे, फ्रॉम भिवंडी। जी जी। तो इस बार कैसा सेटअप कहाँ कहाँ रहेगा, थोड़ा लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दें। इस बार का सेटअप जो हम लोग का जोगेश्वरी में मदनी बाग के अंदर। अच्छा, वो एक सेटअप हो गया। ये डोंगरी में, ये डोंगरी का सेटअप है, टाइमिंग है फॉर 4-5 दिन के लिए। हम लोग बकरे जल्दी आ गए थे, कश्मीरी बकरे, तो हम लोग को स्टे यहाँ पे करना पड़ा। 4-5 दिन के बाद ये भी बकरे वहीं चले जाएंगे। तो अभी जिसको खरीदना है यहाँ वाले के साथ 4 दिन का मौका, 4 दिन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कल सुबह वीडियो डाल देते हैं हम, जी जी जी, तो कल से दो तीन दिन और रहेगा इंशाल्लाह बकरे यहाँ पे। तो उनको खरीदना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, नहीं तो फिर उनको जोगेश्वरी जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए। जी जी। कितने बकरे उतारे आप? ये अभी लगभग अप्रोक्स 48-49 बकरे कश्मीरी, 48 से 49 बकरे। ठीक है, सब कश्मीरी नस्ल, सब कश्मीरी नस्ल के। कुछ बकरे सोल्ड आउट भी हो गए उसके अंदर। अच्छा, 2-4 बकरे सोल्ड हो गए, बाकी सब बकरे। ये सब खस्सी है भाई? हाँ, सारे खस्सी, एक या दो अंडू खाली से। एक या दो तो दिखा देंगे हम लोग, वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। किसी को अंडू लगेगा तो वो ले सकते हैं। जी जी। ठीक है, ये बकरों की मैं खासियत बता दूँ कि इनकी हाइट बहुत होती है, हाइट होती है इनके, इनके बाल सिल्की काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप देखें, नॉर्मल बकरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है इनकी। मैं एक बात और बता दूं कि बकरे सफ़र करके आए हैं फ्रॉम कश्मीर। हाँ, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कम से कम 5 दिन तो लगते हैं। ये जो बकरे वहाँ पे हम लोग के जो 80-80 किलो के बकरे थे, यहाँ आने के बाद वो 60-62 किलो इतने बकरे हुए, तो वापस 65 किलो वापस वेट गेन 65-70 वापस भी चले गए बकरे। हम लोग ये वजन पे बेच रहे हैं, ये नक के ऊपर बेच रहे हैं, क्योंकि एक्जोटिक के अंदर आता है, इसकी खूबसूरती का बकरा बिकता है। और मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि ट्रैवल किए तो थोड़े गंदे लग रहे हैं। हाँ, बकरे, ये बकरे लोग पहचान नहीं पाएंगे निलाने के बाद। हाँ इंशाल्लाह, अगर आप निलाओगे ना इंशाल्लाह, इन बकरे में काफ़ी जो इनके बाल वगैरह काफ़ी सिल्की है, तो आप जब नहलाने के बाद इसके लिए खा लेंगे। हम लोग क्या है, मेंटेन नहीं कर पाते इतने सारे बकरे को यहाँ पे, तो मैं एक एक करके बकरे कुछ निकाला हूँ वो दिखा देता हूँ, फिर आपको और बकरे बाहर दिखाऊंगा, लास्ट में अंदर जाएंगे हम लोग। ये बकरा मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने भाई को बोला कि ये पकड़ो आप बीच में। इसको एक ब्लैक पैच है, एक ब्लैक पैच है, बाकी पूरा सारी तरफ से पूरा वाइट है बकरा। ठीक है, और ये बकरा देखिए, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, हाँ। आप तो जानते हैं, तो ये बकरे पालने लायक भी रहते हैं? हाँ बेशक पालने, इसमें कुछ बकरे 6 दांत भी है, ज़्यादातर बकरे 6 दांत और 8 दांत ही है पर इसके अंदर। सही है, पर 8 दांत पे भी इतना फर्क नहीं पड़ता कोई ज़्यादा, वो 8 दांत में कोई 8 दांत के तो बकरा जवान होता है सिम भाई। सही है, पर लोग उतना लोग समझते हैं कि बकरा बुढ़ा के, पर 8 दांत का तो बकरा मेन जवान होता है। माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती अलग है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, गुलाबी है बकरा, स्किन पूरी गुलाबी है सिम भाई इसकी, बहुत उमदा बच्चा। जी, तो ये आप लोग नक पे खरीद सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग और एंडिंग रेट बता देते हैं। जी असीम भाई, क्या स्टार्टिंग है इसका? असीम भाई, इसके कुछ 30,000-32,000 से स्टार्ट है रेंज, और एंड जो हो जाता है 47-48,000 तक एंड है उसके बकरे। हाँ, मतलब 30 से 50 का, 30 से 48 का तक एंड है बकरे। सही है, ठीक है। तो ये एक बकरा मेरे को ऐसा, बकरे भी अप्रोक्स नहीं, ये सब बकरे असीम भाई, ये बकरे अप्रोक्स मोटा मोटी 70 किलो के आसपास होगा, 65-70 kg के आसपास होगा, बट बकरा केजी से नहीं बेच रहे हम लोग, नक के ऊपर बकरा बिक रहा है। ठीक है, तो ये एक बकरा देखा आपने भाई, सिर्फ इसको छोड़ो आप, इसको छोड़ दें, सिर्फ इसको। तो चाल दिखा दूं मैं, गुलाबी चेहरा, बहुत नायाब बाल की, इसके बाल देखा ना सिम भाई, और देखो अब्दुल खड़ा करेगा तो और लंबा होता बकरा। क्या बात, क्या लेंथ है इनकी, है ना। गाजी भाई आप लाओ थोड़ा आगे, पहले गाजी भाई का बकरा ले लेते हैं, आप उनसे एक बकरा ले लो भाई से हमारे, ऐसा चल के जाओ आप। माशाल्लाह, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि लोग आके देख के लें भाई। बकरे मेन तो आसिम भाई खूबसूरती के ऊपर बिकता है जानवर। ऑनलाइन का सिस्टम अब नहीं चलेगा? नहीं, ऑनलाइन टाइम ही काफी कम बचा, टाइम कम है, और आप लोग भी बकरे लाना ले जाना बहुत नहीं, ज्यादा बहुत डिफिकल्टी होता है, तो आप बेहतर है कि यहाँ के लेंगे, ज्यादा अच्छा है। तो जब हम बताएंगे तो ये बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ पर? ये बिल्डिंग आप वाड़ी बंदर ब्रिज जैसे ही उतरते हो ना, डोंगरी फ्रीवे से, फ्रीवे से वाड़ी बंदर ब्रिज उतरते हो, उसके नाके के ऊपर ये फातिमा हाइट्स है, फातिमा हाइट्स है ना, फातिमा हाइट्स है, इट्स इन द फोर्थ फ्लोर ऑफ, फोर्थ फ्लोर पे पार्किंग के थोड़ा आगे लेके आएंगे आप। माशाल्लाह, फुल वाइट बकरे निकल, इसकी लेंथ देखो आसिम भाई, इसकी लेंथ देखो बकरे की, इसकी हाइट पेटी देखो, उसकी हाइट भी अप्रोक्स 40 के आसपास इसकी हाइट है आसिम भाई। माशाल्लाह, और उसका चेहरा देखो आसिम भाई, बहुत उम्दा मेन, इसकी ब्रॉडनेस आसिम भाई, स्टार्ट पॉइंट देखो कितना बड़ा था आसिम भाई बकरा, ये देखो, ये सेमी टेम बोल सकते हैं, फुली टेम नहीं, पर इसमें कुछ टेम होंगे, हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत कम होगी उसके लिए। ये देखो आसिम भाई, ये भी देखिए, माशाल्लाह,
क्या फॉल है देखिए आप, एक बार निलाओ मजा आ जाए। छोड़ो भाई, हम लोग ऐसी मछली नहीं ले सकते कि बारिश का मौसम नहीं, है। आप निला कर फिर उसको सुखाए तलक का मैं एक बकरा खरीदूंगा, मेरे को एक बकरा नहीं लाना है। हाँ, आपको 50 बकरे नहीं, 50 बकरे नहीं लाना है, और बारिश का मौसम सूखना बकरा बड़ा डिफिकल्ट है इसके अंदर। ले क्या हो लिया साबित, ये देखिए आप, बकरे बाहर निकालने का मकसद है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो भाई हमने कुछ वाइट निकाले, एक और ट्रिप करते हैं कलर बकरों, कलर वाले बकरे फिर अंदर दिखा दूँ जी। फैसल भाई फुल वाइट देख लिए माशाल्लाह, थोड़े कलरफुल निकाले, कलर बाज बकरे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा एक एथलीट एथलीटिज्म देखने मिला, यूनिक कलर है। इस कलर को हम लोग तो डिफाइन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते चेहरे से, पर उसके मल्टीपल्स कलर के साथ है बकरे, देखो ना उसके सिंग सिंगार बकरे के, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हाइट और सिंग और बाल माशाल्लाह, मतलब कॉम्बो मिल जाता है, बहुत प्यारा कलर, बहुत यूनिक है सिम्बा इनका, देखो ना गोल्डन कलर के अंदर, पूरा गोल्डन कलर है, कोई बिस्किट कलर है, कोई मक्की चीना कलर है उसके अंदर, सही। चलिए आप लोग दोनों छोड़ो, ये बकरे लो यार, छोड़ दे बेटे, देखो उनकी चाल देखो सिम्बा, उनकी सिंग देखो, सिंग की लेंथ देखो उनके अंदर माशाल्लाह। चल माशाल्लाह, ये पीछे ये और ये मक्की चीना टाइप, मक्की चीना टाइप का सिम्बा, वाह ये देखो, देखो जम कर गए, और रुकते ही जम करके चले, इजीली जम करके एक एक माले की हाइट से लगता है जम मारने के बकरे, हम लोग कभी कभी डर लगता है कि वो घर से कूद के नहीं चले चार माले से वगैरह उसके लिए हमने बम्बू वगैरह लगा के रखे, सही। हाँ तो अगेन जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं बता दूँ कि यहाँ आके लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कैरी करने के लिए बहुत आसान है सिम्बा, बकरे पीछे भी ये चलते इस तरह से, मेंढे किस तरह बकरों के पीछे आदमी के पीछे चलते, उस तरह से ये जो जानवर है ना इंसान के अंदर बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। हम लोग ने भी ट्रक से उतारा, बहुत दूर मैक्सिमम 8 से 10 मिनट के अंदर सारे बकरे लिफ्ट में चढ़ के ऊपर, इजीली टेम हो जाते हैं। हाँ बहुत ईजी है, इसको चलाना फिराना कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। अभी क्या करते हैं थोड़े बकरे हम अंदर जाके दिखाते हैं, जी जी ठीक है, तो आप मुश्किल हो जाती है। हाँ ये बाहर निकालना पूरा टफ है, तो अंडुल बकरा पूरे कलेक्शन में एक ही है। अभी ये एक ही अंडू बचा है पूरे कलेक्शन के अंदर, सही। ये शॉर्ट हाइट के अंदर है, ये शॉर्ट हाइट के अंदर है, वो दांतों में पूरा है, उसके हथियार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं उसके बकरे के, बाल वाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके भाई, लेकिन ये एक गंदा हो गया बकरा खाली, और एक ब्लैक और एक ब्लैक मुंडा है, ये तो मतलब बहुत रह रहे कश्मीरी मुंडे या इसके लिए बहुत रह रहे हैं, हाँ बहुत रह रहे हैं, देखो इसके पूरा सिल्क है, लॉट में भी ये भी एक ही है मुंडा, सही। प्रोफेसर भाई और बकरे भी देख रहे हैं, पर उससे पहले शायद कुछ आप मिलाने वाले हैं भाई, अपना छोटा भाई आसिम भाई आदिल, अल्हम्दुलिल्लाह भी इसने अल्लाह के फैल से 120-130 किलो के मेंढे अभी मेरे बॉम्बे में ही बने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सब इसकी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे तैयार किए मेंढे, वो भी इंशाल्लाह दिखाएं, एक दो जानवर इसके यहाँ पर भी है, और बाकी हम लोग खुद की जो कुर्बानी के पर्सनल जानवर है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह यही तैयार करता है, और इंशाल्लाह ईद के बाद इसका नया सेटअप भी होगा, आपको दो बकरे देख रहे अभी, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, जैसे मैं बता रहा था भाई को कि भाई नहाने के बाद तो एकदम अलग ही माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कदा अपन कोम विम भी मारेंगे माशाल्लाह ना, तो और खिल जाएंगे माशाल्लाह बकरे, लेन देखो ना आप बकरों की, हाँ माशाल्लाह, ये कजले में है कि वाइट के अंदर, और ये कलर पैटर्न देखे आप माशाल्लाह माशाल्लाह, हाइट वेट भी दोनों की बहुत अच्छी है, हाइट लेंथ माशाल्लाह, अभी खा पी के हेल्थी हो गए थे जी, इनको यहाँ पे क्या फीड चला रहे हैं अपन बॉम्बे, अभी यहाँ पे हरी पत्ती चल रही है, और अपना जौ चना जी, फिर अपना तुअर गवार फली आती ना फलकट, वो भी चल रही है, फिर गुड़ बत्ती से का पानी चल रहा है, और पत्ते भी खाते हैं, पत्ते भी खा रहे हैं माशाल्लाह, घास भी खिला रहे हैं लोग, क्या बात है, क्योंकि ये लोग वहाँ पर सिर्फ ग्रीन खाए, हाँ मुझे नहीं लगता लोग अनाज खाते भी होंगे वहाँ पर, नहीं खा रहे अभी माशाल्लाह, सेट हो रहे उस पर भी, सही। आप देख रहे हैं ना एकदम माशाल्लाह खेलते कूदते सब, देखो ना एकदम फुर्ती में सब, जबरदस्त क्या बात है, ये देखो माशाल्लाह गुलाबी लेन देखो आप बच्चे की, इसमें काफ़ी बच्चे जो आप पाल भी सकते हैं, फुल वाइट के अंदर है, एक दो फुल ब्लैक में दिखाओ भाई, एक बहुत नायाब बच्चा दिखा रहा है माशाल्लाह, देखो ये पूरा फरी है, ये अपने अपने से मिस हो गया था ये, वाह माशाल्लाह, इसको नहला देंगे ना ये पीलापन भी अड़ जाएगा और खूबसूरत दिखेगा फिर माशाल्लाह, बहुत नायाब कलर है, और सिक्के भी काफ़ी अच्छे हैं, क्या बात है, ये देखिए फुल जेड ब्लैक के अंदर, तो कलर भी बहुत आपको चूज़ करने का मौका है यहाँ पर,
फुल हर कलर में बच्चे, हर कलर में डबल कलर के बच्चे माशाल्लाह। माशाल्लाह ये भी बच्चा देखिए, बहुत नायाब बच्चा है, देख सकते हैं आप इसके दम, माशाल्लाह कलरफुल है, देखो ना बाल का फॉल देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव, सिक्के मजबूत, गला पट्टी से वाह। बाकी हम लोग को तो नहीं समझता ज़्यादा, लेकिन गला पट्टी वगैरह देखनी पड़ती है। मेरे हाइट के हिसाब से देख लो ना कितना बड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह आप भी काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े, सही है। इधर आओ ना, ये बकरा ज़्यादा हाइट में दिख रहा है मेरे, बहुत शानदार। छोटे से कान है, कान की क्वालिटी भी इनकी अलग अलग आती है, बहुत बड़ा बकरा माशाल्लाह। ठीक है भाई, फुल जेड ब्लैक की ये भी देखो माशाल्लाह, एकदम जोड़ी में दोनों भी एकदम जेड ब्लैक है, और दोनों भी माशाल्लाह हेल्दी है। दोनों की लेंथ देखें आप, बहुत ही उम्दा सिक्कों में बच्चे, एकदम ड्रिल सिंग में। तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलेगा उसको, ये वाला देखें अभी आप, माशाल्लाह। तो हर कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, अल बुर्राक गोट फार्म कश्मीरी कलेक्शन, सब चॉइसेबल गोट्स है माशाल्लाह। एक बच्चा दिखा रहा है आपको वाइट आइस के अंदर, जो आपके हाथ में माशाल्लाह, ब्लैक के अंदर वाइट चेहरा, सिक्के भी देख सकते हैं आप, आँख भी वाइट है, छोटे कानों में, और इसके थोड़े वहाँ पे बाल शायद से ट्रिम हो गए होंगे ये वजह से छोटे, बाकी ये भी माशाल्लाह हाइट लेंथ का बहुत बड़ा है। सही, अलग कलर के अंदर है, कलर तो इनको बहुत आ जाते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भाई छोड़ दो, दोनों की भी ग्रे की जोड़ी है, ग्रे की जोड़ी दोस्तों, ये कलर भी आपने देखा होगा, ये भी एक बहुत ही उम्दा कलर है, क्या बात है। इसके अंदर तो तीन कलर है, ये एकदम अलग अलग कलर है, देखो ना यहाँ पे ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, ग्रे भी है, वाइट भी है, और मैंने जैसा वीडियो के स्टार्ट में बोला था एक बार नहा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हमारे लिए जब हम घर पे लेके आएंगे एक दो बकरे लाना आसान है, इनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा है। चलिए छोड़ दें उसको भाई, जाएगा सबका नज़ारा देख लेना। आतिफ भाई हम लोग अगर सबको भाओ हो माशाल्लाह, आतिफ भाई देखो माशाल्लाह अभी सब एक साथ अंदर आएंगे, कलर आया पहले ही कलर उम्दा आया ग्रे, ये हमारा भाई देखो अंडुल माशाल्लाह कितना चंचल है माशाल्लाह। देखो कैसे समझ में आ रहे बकरे, एक एक करके हम दिखा रहे सब बकरे तो लोगों को समझ में आएंगे माशाल्लाह। ये सेट थोड़ा घुमा के देखो कितने सारे हैं माशाल्लाह, अब ये सब आएंगे अंदर, कोशिश हो रही है क्या इनके लिए भी नई जगह है पहाड़ों। हाँ, के बच्चे वही भाई वही ग्रे वाले पे, फिर भी माशाल्लाह ये लोग में बिचकपन वैसा नहीं है, डर वर अलहमदुल्ला इंसानों से भी ज़्यादा डरते नहीं है लोग, मस्त माशाल्लाह खा रहे पी रहे भी एकदम सेट अलहमदुल्ला, आ रहे आ रहे माशाल्लाह। सिर्फ सिक्के सिक्के दिखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बड़े बड़े सिक्कों में, जो बम्बई वालों को चाहिए ना बड़े बड़े सिक्के, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जॉटिक प्लस शोपीस। फैसल भाई ने इनका रेट शेयर किए, बहुत ज़बरदस्त रेट है, बड़े बकरे मिल रहे आपको अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े बकरे समझो ना भाई वाजिबी में ही आसिम भाई। हाँ, और मैं एक बात बता दूँ कि वजन में भी ये बहुत तोड़े अभी क्योंकि सफ़र किए ना, इंशाल्लाह थोड़े दिन में तो और माशाल्लाह गोल मटोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो समझो ना अपने पास आए, अपने हाथ में अभी आए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे पियेंगे, अनाज उनाज भी लोगों को भरपूर मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लाइन लेवल पे आ जाएंगे, और एक बार इनको निलाया धुलाया जाएगा तो मज़ा आ जाएगा माशाल्लाह। क्या बात है, एक से एक नगीने आ रहे हैं, देखो माशाल्लाह ब्राउन को देखो माशाल्लाह कितना फर है, देखो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कचरा आ गया हमारा। ये कलर देखो माशाल्लाह डबल शेड भाई, ये बहुत बड़ी हाइट का बच्चा है लंगर का, जबरदस्त मेरे भाई, क्या पकड़े आपने बकरे को, छोड़ नहीं नहीं बोल के भाई 75-80 केजी माशाल्लाह ये भी रहेगा इंशाल्लाह, लगभग आ गए मालूम नहीं पड़ा इतने आराम से आ गए भाई। देखो ऐसे नज़ारा अभी लोग माशाल्लाह सबके तुमको सिंग ही सिंग नजर आएंगे माशाल्लाह बड़े बड़े, क्या बात, सब मल्टी कलर एकदम चॉइसेबल गोट से सब माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ भाई लाख फैसल भाई बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छे। पहले तो आसिम भाई मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप रात में 2 बजे आके मेरे यहाँ पे शूट करें,
मेरे को नहीं लगता है कि कोई यूट्यूबर इतनी रात में आके इतनी मेहनत कर, या भिवंडी से आए और मेरे बुलाने पे आप आ गए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जजाक असीम भाई जी। तो एक बार नंबर बता दीजिए। नंबर है असीम भाई अपना 8828088760। ये नंबर पे कॉन्टैक्ट, ये नंबर पे कॉन्टैक्ट, याया का नंबर है, इसी पे कॉन्टैक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स, फोटो जो भी आपको समझ में आता है स्क्रीनशॉट डाल के, इससे आप रेट वगैरह जो भी उसकी डिटेल सब दे देगा। बहुत सिंपल है, याया भाई यहीं रुकेंगे, यहीं पर रहेगा, है ना। तो अगर कोई इनको एड्रेस के लिए फोन करता है तो ये में, हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डोंगरी में है जी, डोंगरी के ऊपर है, वाड़ी बंदर ब्रिज उतर के जस्ट सामने ही है। सही, तो बहुत आसान एड्रेस है, तो आने में भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कहाँ पर आओ ना, इतना आगे थोड़ा आप भी एक्सप्लेन कर देंगे बेटर रहेगा। एग्जैक्टली कहाँ पर है आना, जब फिर लोग सब लोग एड्रेस के लिए फोन कर रहे हैं। एक केसर बाग की गली में, चैनल से लेफ्ट मार के केसर बाग की गली में आएंगे ना तो टर्निंग पे ही है, लेफ्ट पे। सही, और बिल्डिंग का नाम है अल फातिमा हाइट्स, ए विंग में, ए विंग फोर्थ फ्लोर पार्किंग। बहुत बहुत शुक्रिया है भाई, वैसे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और मैं लोगों को बता दूं कि इनके काफ़ी और बकरे उतरने वाले हैं। अभी तो मेन चीज़ बाकी अपने अल्लाह की वजह से 40 किलो से लेकर अपने पास 150 किलो तक के बकरे इंशाल्लाह उतरेंगे, माशाल्लाह। सोजत भी उतरेंगे उसके अंदर, गुजरी भी है, सिरोही भी है, इंशाल्लाह। जो अपना हर साल का जो होता है सिम्बा, आपने वो देखे जिस तरह से हम लोग का, पर इस बार वो जोगेश्वरी में, इस बार सारा जो हम लोग कौन से भिवंडी का था वो सारा के सारा जोगेश्वरी पे होंगे इंशाल्लाह। और हर साल की तरह इस साल भी 1500-2000 बकरे इंशाल्लाह हम लोग टारगेट है, तो आएगा अल्लाह पाक के साथ। तो कोई बेचने वाला भी कांटेक्ट करना, हाँ वो तो हम लोग का मेन वही है, जिसको अगर होलसेल में बकरा चाहिए वो इंशाल्लाह कांटेक्ट करें, उसके लिए हम लोग स्पेशल प्राइस देंगे जो कुछ भी रहेगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।